जी नमस्कारम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे आप स्वस्थ होंगे, आप अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो लोग सर्वाइकल की समस्या से जूझ रहे हैं और जो लोग सर्वाइकल की समस्या से बहुत परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जी, बात करते हैं सबसे पहले सर्वाइकल के बारे में। आधुनिक युग में जब से लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर लोगों ने काम करना शुरू करा है, तब से लोगों में 85% सर्वाइकल की समस्याएं बढ़ी हैं, क्योंकि दिन भर आप लैपटॉप और जब कंप्यूटर पर काम करते हैं तो सिर्फ आपकी हाथ की उंगलियां ही काम करती हैं और गर्दन हल्का सा आगे की ओर झुका रहता है। जब हमारा गर्दन आगे की ओर झुका रहेगा तो हमारे गर्दन की मांसपेशियों में एक्स्ट्रा तनाव आता है और मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिस कारण वो धीरे धीरे सर्वाइकल का रूप ले लेती हैं। सबसे पहले आपने पीठ गर्दन बिल्कुल सीधा करके बैठ जाना है। यदि आप जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं तो आप अपने सोफे या चेयर पर बैठ जाएं। फिर आपने एक हाथ को, दाहिना हाथ ऊपर उठा के अपने सर को ऐसे पकड़ना है और लंबा गहरा सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाना है। अब आपने सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, लेते रहना, छोड़ते रहना। खिंचाव को महसूस करना है गर्दन के बाएं हिस्से में। सांस धीरे धीरे लेते हुए वापस। अब दाहिना हाथ नीचे और बाएं हाथ से गर्दन को बाएं तरफ खींच लेंगे। खिंचाव को महसूस करना है गर्दन के दाहिने हिस्से में, लेकिन ये अभ्यास आपने बहुत धीरे से करना है। गर्दन को जोर से नहीं खींचना है। फिर सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस अभ्यास क्रम को आपने 5-5 बारी दोनों तरफ से करना है। सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। सांस लेते हुए ऊपर, अब सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। धीरे से वापस, ठीक है। शुरू शुरू में आपको, जब आप ये अभ्यास करेंगे तो शुरू शुरू में आपको हल्की सी चक्कर आने जैसी फीलिंग होगी, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत धीरे धीरे आपने अभ्यास करना है। अब अगला अभ्यास, गर्दन और कमर बिल्कुल सीधा रहेगा। सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को बाईं तरफ घुमाना है। धीरे धीरे, फिर कुछ देर यहाँ पे रुके रहेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए बाईं तरफ। खिंचाव को महसूस करना है गर्दन की साइड्स में, कंधों के ऊपर। सांस लेते हुए वापस। इस अभ्यास क्रम को आपको लगातार 5 बार करना है। गर्दन को दोनों तरफ 5-5 बारी घुमाना है। सांस छोड़ते हुए सामने, अब लेते हुए दूसरी तरफ और धीरे से वापस। अब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपने अपनी गर्दन को आगे की तरफ बिल्कुल नहीं झुकाना है। अब आप दोनों हाथों को ऐसे रखिएगा चिन के नीचे और उंगलियां आपके चेहरे के ऊपर। सांस लेते हुए हल्का सा अपने चिन को ऊपर उठाएंगे, हल्का सा। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे।
सांस छोड़ते हुए वापस और गर्दन बिल्कुल सीधा। दूसरी बार सांस लेते हुए ऊपर। छोड़ते हुए नीचे हल्का सा। सांस लेते हुए ऊपर। छोड़ते हुए नीचे। अब अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे लॉक कर देना है और हाथ सर के पीछे लगा देना है, ठीक है? टाइटली। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ऐसे करके, ठीक है? ये बिल्कुल टाइट पकड़ देना है, कोहनिया बाहर की तरफ, ठीक है? अब आपने करना क्या है, सांस लेते लेते अपने सर को पीछे की तरफ प्रेस करना है। सांस छोड़ देंगे और कंधों को ढीला छोड़ देंगे। एक बार और। फिर धीरे से वापस। एक बार और। धीरे से वापस। दोनों हाथ नीचे। अब एक हाथ को अपने माथे के ऊपर लगाना है और सांस लेते हुए सर को आगे की तरफ प्रेस करना है और हाथ से सर को पीछे की तरफ। सांस छोड़ देंगे और गर्दन ढीली छोड़ देंगे। फिर सांस लेते हुए अपने सिर को आगे की तरफ प्रेस करेंगे और हाथ से अपने सिर को पीछे की तरफ। सांस छोड़ देंगे और हाथ नीचे। ये सभी अभ्यास आपने पांच पांच बार लगातार करने हैं। अब एक और महत्वपूर्ण अभ्यास, अपना दाहिना हाथ दाहिनी तरफ रख ले सर के, या तो फिर कान के ऊपर रख लें, सबसे बेटर होगा कान के ऊपर रखें। अब आपको सिर का बायां हिस्सा दाहिनी तरफ प्रेस करना है और हाथ से गर्दन को दाहिनी तरफ प्रेस करना है। सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, लेते रहना, छोड़ते रहना। छोड़ते हुए गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। और एक बार सांस लेते हुए फिर वापस हाथ नीचे। फिर दूसरी तरफ से सांस लिया, गर्दन को बाईं तरफ प्रेस किया। छोड़ते हुए वापस। फिर सांस लेते हुए फिर छोड़ दिया। अब अगला अभ्यास आपको अपनी गर्दन की मांसपेशियां और कंधे की मांसपेशियों को रिलैक्स करना है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना है। तो दोनों कोहनियां मोड़ दें, हाथ की उंगलियां कंधे के ऊपर, सांस लेते हुए दोनों कोहनियां से ऊपर और कंधों को गोल गोल घुमाएंगे 10 बार लगातार। 3, 4 5, 6, 7, 8, 9। हाथ घुमाते हुए यदि आपके कंधों से कट कट की आवाज आएगी तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभ्यास को जारी रखना है। फिर रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, ये बड़ा सा सर्कल बनाना है, बड़ा सा गोला बना देना आपने। ये और फिर दोनों हाथ नीचे और हाथों को ऐसे हिला देंगे। अब अगला अभ्यास, लेकिन इस अभ्यास को आपको बहुत सावधानी के साथ करना है। यदि आपके घर में कोई गोल पिल्लो है तो आपने उसका उपयोग करना है, और यदि आपके घर में ऐसे योगा ब्लॉक्स हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आप योगा ब्लॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। आपने करना क्या है,
दोनों घुटने मोड़ देने हैं और पीठ केवल लेट जाना है, ठीक है? ऐसे। अब आपने करना क्या, पहले ये ब्लॉक्स को ठीक सर के नीचे रखना, जैसे अपन तकिया लगाते हैं ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करना है सांस लेते हुए, ठीक है? ताकि आपके कमर के ऊपरी हिस्से में खिंचाव आए सांस छोड़ते हुए। हाथ नीचे, एक बार और सांस लेते हुए ऊपर, और कंधों को आगे की तरफ धकेलना है सांस छोड़ते हुए, दोनों हाथ नीचे। अब आपको ये ब्लॉक्स को करना क्या है, आपने ब्लॉक्स को आपकी कमर के ऊपरी हिस्से के नीचे रखना है। तो उसके लिए आपको पहले बैठ जाना है, ये रख दिया ब्लॉक्स को सही से। अब धीरे धीरे आपने लेट जाना है, ये ओके। गर्दन नीचे लटकाया, दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां मैट के ऊपर, सांस लेते रहना है छोड़ते रहना है, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। अब ऐसे करने से आपकी जो मांसपेशियां है, सर्वाइकल वाली मांसपेशियां, कमर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियां, वो ऐसे खुल जाएंगी, तो आपके सर में ब्लड का और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, आपको हल्का सा सर में हैप्पीनेस महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा, चक्कर वाली फीलिंग होगी, लेकिन घबराना नहीं है। फिर धीरे से पहले दोनों पैर नीचे छोड़ देना और ऐसे लेट जाना है, झटके से खड़ा नहीं उठना है, फिर वापस बैठ जाना है आपने। इस अभ्यास को आपको सोने से पहले और सुबह जगने से पहले करना है। तकिया हो या फिर ऐसे ब्लॉक्स हो, कमर के ऊपरी हिस्से के नीचे लगा देना है, ठीक है? इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। और अगला अभ्यास पेट के बल आपको लेट जाना है, दोनों कोहनियां मुड़ी हुई, ठीक है? फिर आपके एल्बो जमीन के ऊपर और दोनों हाथ आपके चिन के नीचे ऐसे, यहाँ पे आपको सांस लेते रहना है छोड़ते रहना है, लेते रहना है छोड़ते रहना है। यदि आपको गर्दन में, यदि आपको गर्दन और पीठ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव महसूस नहीं हो रहा है, तो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएं और अपने चिन के ऊपर रखें, फिर गर्दन को खींचे ऐसे, सांस लेते रहे छोड़ते रहे, लेते रहे छोड़ते रहे। फिर दोनों हाथ नीचे एक एक करके, पहले गर्दन को दाहिनी तरफ ऐसे घुमा देंगे, कान आपका हाथों के ऊपर, फिर धीरे से वापस, अब बाईं तरफ, धीरे से वापस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी आपकी तरह इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।